वेलकम बैक बच्चों। आज के सेशन में हम लोग कैपेसिटर का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने वाटर, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजिंग फील्ड ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अपने टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक कवर्ड है। आज के सेशन में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग एक बार याद कर लें कि वॉट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक मेटल का प्लेट है ना। हम लोग साइड व्यू ले रहे हैं इस तरह से, दिस इज मेटल प्लेट, लेट अस से रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट P1। जब हम इस प्लेट पर चार्जेस डिपॉजिट करेंगे, लेट अस से हमने पॉजिटिव चार्ज प्लस Q उस पर डिपॉजिट किया है ना, इस तरह से मेटल प्लेट है तो चार्ज पूरी तरह उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर इट्स सरफेस, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ चार्ज इस कैपेसिटर, ये जो मेटल का प्लेट है इसका पोटेंशियल राइज होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस चार्ज क्यू तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल प्लेट विल राइज। तो अगर हमने ज्यादा चार्ज इस पर डिपॉजिट किया तो ज्यादा पोटेंशियल राइज होगा, कम चार्ज डिपॉजिट किया तो कम पोटेंशियल राइज होगा। मतलब ये जो पोटेंशियल है और ये जो चार्ज है ये एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म आ जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म सी। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम इसका पोटेंशियल कुछ एक डिसाइड कर लें कि भाई ये पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल पे वो कंडक्टर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ही एक्सेप्ट करेगा, दैट इज इट्स कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर C इक्वल टू हो गया हमारा Q बाय V, ठीक है। ये हो गया सिंगल प्लेन पैरेलल प्लेट, सिंगल मेटल प्लेट है तो उस केस में हमने उस पर चार्ज डिपॉजिट करने पे ये प्रोसेस हुआ। अब कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, तो अगर ये प्रोसेस, यहाँ पर मैं इक्वेशन साइड में लिख लेता हूँ, C इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। अब हमने इस पे इसी के सामने एक और सिमिलर आइडेंटिकल मेटल प्लेट रख दी, आइडेंटिकल एकदम, ठीक है। तो मेटल के अंदर तो चार्जेस होते हैं ना, तो इसके सामने एग्जैक्टली पैरेलल हमने एक छोटे से डिस्टेंस पर एक और प्लेट रख दी। सो ड्यू टू दीज पॉजिटिव चार्जेस इस मेटल प्लेट में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लेट वन जो है, ठीक है, और ये वाली प्लेट टू है, तो प्लेट वन में पॉजिटिव चार्जेस जो है वो प्लेट टू के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके इस तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियस बात है ये तो न्यूट्रल प्लेट थी तो इसके राइट साइड में होंगे पॉजिटिव चार्जेस, सही है। अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट पी वन के करीब होने की वजह से दिस नेगेटिव चार्जेस विल रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ऑफ प्लेट पी वन, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल वो रिड्यूस कर देंगे क्योंकि ये नजदीक है। अब अगर हम इस प्लेट को ग्राउंड कर दे तो क्या होगा, देखो प्रोसेस क्या हो जाएगी। सो ये मैंने पहले भी बताया था पिछले सेशन में, तो वापस से रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये हमने ग्राउंडिंग कर दिया सेकेंड प्लेट को, दीज पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट बाउंड एट ऑल, ये बाउंड तो है ही नहीं इनको क्योंकि ये पॉजिटिव इनको रिपेल करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे अर्थ में, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हट गए। तो अब अगर देखोगे तो इस प्लेट पर नेट नेगेटिव चार्ज है और ये नेट नेगेटिव चार्ज इन सारे पॉजिटिव चार्जेस को इस तरफ खींच लेगा, तो इन दोनों प्लेट्स के अंदर की साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो गए। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है इसकी वजह से लेट अस से ये नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे, तो जितना ये प्लस क्यू है उतना ही अपोजिट माइनस क्यू यहाँ पर बनेगा, है ना। और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो वी वन से, इस प्लेट का पोटेंशियल लेट अस से वी वन है ये सारे चार्जेस जाने के बाद, तो जो प्लेट P1 का पोटेंशियल था वो V1 से रिड्यूस हो गया, तो नया जो कैपेसिटेंस बना यहाँ इस सिचुएशन में इस पूरे सिस्टम का, दैट विल बी V माइनस V1। तो ये हो गया हमारा V माइनस V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, है ना। तो इसी को हम लोग रिप्लेस करके सिर्फ V भी लिख सकते हैं, तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन V। सिर्फ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया V माइनस V1 को, बेसिकली इट इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हमने लिख दिया V, which is potential difference between the two plates। तो इस तरह से ये हो गया अपना capacitance का concept। तो यहाँ पर दो plates नजदीक रखने पर एक charged है, दूसरी earthing किया हुआ है, तो ये पूरा system जो है this will store electric field। देखो यहाँ पर positive negative charges है,
सो देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड और बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दीज टू प्लेस. तो यह है इस कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल कि यहाँ पर दो चार्जेस अलग अलग प्लेट्स पर है और जिसके वजह से वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एंड ऑल्सो देर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स. ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट कैपेसिटर्स. अब ये कैपेसिटर का यूज कहाँ कहाँ है, तो आपके घर में फैन होगा, तो फैन अगर आप ध्यान से देखते हो ना, फैन को खोल कर उसका जो ऊपर का जो कैप होता है उसको थोड़ा शिफ्ट करोगे, यू विल फाइंड अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरह का सिलिंड्रिकल, जनरली व्हाइट कलर का एक डब्बी होता है उसके अंदर. तो दिस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली कैपेसिटर. ठीक है, आपके हर एक के घर में फैन होगा, सीलिंग फैन, तो उसके अंदर आपको ये कैपेसिटर दिखेगा. ठीक है, आप इसके लिए दूसरा नाम भी याद रखो, दूसरा नाम है कंडेंसर. ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चले जाओ, इलेक्ट्रिकल शॉप में, तो वहां पर आप पूछो कैपेसिटर क्या है, तो वो आपको दिखा देंगे ये इस तरह का होता है. ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर के बारे में. अब ये कैपेसिटर का यूज कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, तो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा था रेजिस्टर्स जो है, तो रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल कर सकते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज और पैरेलल थोड़ा सा याद करो इसके फॉर्मूले, कुछ याद है आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, आर थ्री आर फोर एंड सो ऑन. पैरेलल में इसी को इनवर्स एडिशन होता है, 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू एंड सो ऑन, इस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है. तो ये हो गया रेजिस्टर, सीरीज और पैरेलल, ये हमें ऑलरेडी हमने स्कूल में सीखा है 10th स्टैंडर्ड में. अब अगर मुझे कैपेसिटर के बारे में सोचना है तो हम लोग कैपेसिटर्स को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब पहले इनका फंक्शन समझते हैं. रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या होता है, इट अपोजेस करंट और बेसिकली इट कंट्रोल्स करंट इन द सर्किट, है ना. तो मेरे पास कोई सर्किट है तो उसमें करंट मुझे लिमिटेड अमाउंट में चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट का करंट फ्लो करवाना है, तो वहां पर हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं. कैपेसिटर यही काम करता है एसी सर्किट में, ये डीसी करंट को जो कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट होता है ये, तो उसको अपोज करता है. ये जो कैपेसिटर है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अपोजिशन करता है. ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम लोग लेसन नंबर शायद से 16 या 15 होगा, तो वहां पर अल्टरनेटिंग करंट लेसन जो है वहां पर हम ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ दिस कैपेसिटर अपोजेस करंट विच इज अल्टरनेटिंग करंट, है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही उसको अपोज करेगा. तो वहां पर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ दिस वर्क्स. ठीक है, तो फिलहाल कैपेसिटर को अगर कॉम्बिनेशन में करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होता है. तो उसके लिए फॉर्मूला ऐसा है, अगर सीरीज में होगा कैपेसिटेंस तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू एंड सो ऑन. और अगर पैरेलल में है तो हम लोग ये यूज करते हैं, सी पी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस डॉट डॉट डॉट. अगर आप देखते हो ये दोनों फॉर्मूले कंपेयर करते हो, जो रेजिस्टेंस का सीरीज में एडिशन होता है कैपेसिटर का पैरेलल में एडिशन होता है. ठीक है, रेजिस्टेंस का इनवर्स एडिशन कहाँ पर होता है, पैरेलल में, कैपेसिटेंस के केस में ये इस तरह का एडिशन होता है, है ना, सीरीज में. तो है इंटरेस्टिंग ये फॉर्मूले, इस इनको तो हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, हमें पता है, इन्हीं को थोड़ा सा उल्टा करके लिखोगे तो कैपेसिटर के फॉर्मूले बन जाएंगे. अब इनको हम डिराइव करने वाले आज के सेशन में, तो चलो एक एक केस डिराइव करते हैं. कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, इसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन आएंगे, एक आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है एक बार याद कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या था, तो सीरीज का फॉर्मूला था 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी1 प्लस 1 बाय सी2 एंड सो ऑन. अगर 3 होंगे तो 1 बाय सी3, 10 होंगे तो 1 बाय सी10 तक जाएगा. ठीक है, तो अब इसको हम प्रूव करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, अब एक और चीज आप याद रखो, हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन जो करने वाले हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में करने वाले हैं. उसका सर्किट सिंबल जो है वो ऐसा है, इस तरह का सर्किट सिंबल होता है, दो पैरेलल लाइंस और दोनों तरफ ये कनेक्टिंग वायर्स. ठीक है, तो ये हो गया सर्किट सिंबल फॉर कैपेसिटर. दूसरी चीज, टाइप ऑफ कैपेसिटर, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं. एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर भी, जिसमें अंदर स्फीयर है बाहर स्फीयर है, दोनों की दोनों प्लेट स्फेरिकल शेप में होती है. देन देर इज वन मोर कैपेसिटर
सिलिंड्रिकल टाइप का, जिसमें अंदर एक सिलिंड्रिकल प्लेट होगी और उसके बाहर वापस से दूसरी सिलिंड्रिकल प्लेट होगी। तो इन दोनों को दो टर्मिनल्स कनेक्टेड है, तो इस तरह के भी कैपेसिटर्स अलग अलग शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अपना पूरा डिस्कशन फोकस करेंगे। और जो एडिशनल स्पेशल कैपेसिटर्स है उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बना लेंगे, जिसमें हम स्पेशल कैपेसिटर्स की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, आज पहला टॉपिक जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो कैपेसिटर किस तरह से कनेक्टेड होंगे, लाइक दिस। ये एक कैपेसिटर है आपका C1, अगेन उसके दूसरे टर्मिनल को हमने नेक्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, जिसकी ऑब्वियसली कैपेसिटेंस होगी C2। हर एक की कैपेसिटेंस डिफरेंट हमने लिया है, जनरल केस कर रहे हैं हम लोग, और लेट अस से 3 ले लेते हैं प्रूफ के लिए, बाद में उसको जनरलाइज कर देंगे। सो वी हैव कंसीडर्ड 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स, C1, C2, C3 आर देयर कैपेसिटेंसेस। ठीक है, और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, DC बैटरी से, इस तरह से। ठीक है, देयर विल बी अ प्लग की हियर। तो ये हो गया सिंपल कनेक्शन। ओके, ये प्लस ये माइनस। अब होगा क्या, यहाँ से इनिशियली जैसे ही ये की ऑन करेंगे, देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये प्लस की तरफ से यहाँ पर इस प्लेट पर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज देयर विल बी ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द अदर प्लेट, सो इस प्लेट पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, जो अभी हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था। अब ये माइनस क्यू प्लेट जो है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर कंडक्टर। तो यहाँ पर होगा क्या, इसका अपोजिट चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये सेम कंडक्टर होने की वजह से ये सेम चार्ज आएगा बट अपोजिट साइन। अब इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लेट पे आएगा माइनस क्यू चार्ज, इन द सेम वे ये प्रोसेस चलती जाएगी, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, है ना। अब अगर आप देखते हो एक चीज, तो ये प्लस क्यू का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन वाला चार्ज इस पे आया। ये और ये कनेक्टेड होने की वजह से, दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है, इसलिए इस पर जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आया। इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर अपोजिट प्लेट पर अपोजिट चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इंड्यूस हुआ, और अगेन इसका ही जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ आया, और एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या चीज हमें ऑब्जर्वेशन करने वाली है, तो नोट करने वाली चीज क्या है कि चार्ज ऑन, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोलना चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल। ये हमेशा इक्वल रहेगा, कब, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पर नोट डाउन किया फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के प्लेट पर सेम चार्ज होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि Q इक्वल टू CV होता है ना, हमें ये पता है, वी नो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल टू CV। इसमें Q जो है ये चार्ज है, C जो है कैपेसिटेंस है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सी जो है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का यूनिट एक बार याद कर लेते हैं, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड। फैरेड ये बहुत बड़ा यूनिट है, फैरेडे माइकल फैरेडे के नाम पे से आया हुआ है। तो 1 फैरेड इज क्वाइट लार्ज यूनिट, तो इसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड मतलब 10^-6 फैरेड, फिर मिली फेरेड या नैनो फेरेड भी होता है, तो अगर नैनो फेरेड होगा तो 10^-9 फेरेड। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग मिली फेरेड माइक्रो फेरेड टाइप के स्मॉल वैल्यू के कैपेसिटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, जनरली यही अवेलेबल होते हैं मार्केट में। फेरेड मतलब बहुत बड़ा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हो गया। ठीक है, चलो, तो अभी यहाँ पर क्यू इक्वल टू सी वी फॉर्मूला हमको पता है, इस केस में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर कैपेसिटर C1, हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, C1 कैपेसिटर के लिए यहाँ पर देखो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। C1 पर चार्ज है Q, है ना, Q1 तो है नहीं, Q है, सब पे सेम चार्ज है, इक्वल टू C की जगह C1 लिख दिया, C1 इनटू इसके अक्रॉस जो है। अब देखो यहाँ पर क्या बात है, पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना है वी डोंट नो, है ना, लेकिन अगर आप इसकी बात करो चार्ज की, अगर चार्ज इस वाले कैपेसिटर पे सेम है ना,
चार्ज इस वाले पे क्यू है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, लेकिन सी की वैल्यू डिफरेंट है ना। हमने क्या सीखा था कि क्यू और वी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें क्यू और वी अगर प्रोपोर्शनल है कंसिडरिंग सी कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ पर तो सी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्यू सब पे सेम, सी चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी वन, ठीक है। दूसरा, हमने स्कूल में जो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो हमें पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर है वी तो इन हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा। सो लेट अस से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वी वन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वी टू, और इसके अक्रॉस हो गया वी थ्री। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे क्यू इक्वल टू सी वन वी वन। सिमिलरली अगर सी टू होता है ना, सिमिलरली फॉर सी टू, फॉर कैपेसिटर सी टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम लिखेंगे क्यू इक्वल टू सी टू वी टू, सही है। एंड फॉर सी थ्री क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी थ्री वी थ्री। यहाँ पर सभी केस में देखोगे तो ये इस तरह से आता है, ठीक है। अब इस पे से हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी वन इक्वल टू क्यू बाई सी वन है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं वी टू इक्वल टू क्यू बाई सी टू, और यहाँ पर लिख सकते हैं वी थ्री इक्वल टू क्यू बाई सी थ्री। अब डायग्राम में देखोगे तो ये सेल ने कितना पोटेंशियल दिया, सेल ने पोटेंशियल दिया वी, और हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस है वी वन वी टू वी थ्री। अब ये सारे पोटेंशियल्स का कॉम्बिनेशन आएगा भी है ना, तो हम पोटेंशियल ऐड कर देंगे, v टोटल पोटेंशियल विल बी v1 plus v2 plus v3 है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दिया सिंपल। तो v1 कितना है, v1 है अपना यहाँ पर q by c1, v2 है q by c2, और v3 है q by c3। अब इमेजिन कर लो कि ये पूरे सिस्टम को हमने सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया, तो वो सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट या फिर हम यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन किया, सीरीज, तो CS लिखेंगे उसको, और इस बड़े जो भी इन इस पूरे सिस्टम को हमने इस तरह से रिप्लेस किया लाइक दिस, C इक्विवेलेंट, और इट इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी, ठीक है। सेम जो भी बैटरी सिस्टम है वही की रहेगा, सारी चीजें सेम, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल होगा V, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V, तो V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन सेम चार्ज होगा, यहाँ से सेम चार्ज आ रहा है, तो हम लिखेंगे V इक्वल टू क्यू बाई सी एस, ठीक है। सेम लॉजिक से हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, V इक्वल टू क्यू बाई सी एस, सेम फॉर्मूला लगाया, तो ये क्या हो गया, क्यू बाई सी एस इक्वल टू क्यू बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू प्लस क्यू बाई सी थ्री। क्या कट हो रहा है यहाँ पर, Q कट हो गया, तो क्या है आंसर, 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ये तीन के लिए, और अगर इसको जनरलाइज कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, जितने भी आगे होंगे उतने, है क्या नहीं इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब दो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, 1 by C1 plus 1 by C2, तो उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अगर दो कैपेसिटर है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाता है। दो कैपेसिटर के लिए कैसा आ जाता है, 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, C1 plus C2 upon C1 C2 equal to 1 by CS, तो इस पे से CS हम लोग लिख सकते हैं C1 C2 by C1 plus C2। ये वैल्यू बच्चों कई जगह हम लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये अलग से आपको करके दिखाया है, ये फॉर्मूला एज इट इज याद रख लोगे, दो कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक ओरल क्वेश्चन पूछता हूँ इस पे से, है ना। मेरा पहला कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेरेड, दूसरा है 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। पहला है 5 माइक्रोफेरेड, दूसरा है 5 माइक्रोफेरेड, तो सी एस कितना आएगा जल्दी से बताओ, पहला 5 दूसरा 5, तो सी एस कितना आ जाएगा, देखो 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, अपॉन 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, सो 25 बाय 10 कितना होता है, इट इज 2.5, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड डाल दो यहाँ पर, 10 इंटू 10 100 अपॉन 10 प्लस 10, 100 अपॉन कितना हो गया, 100 अपॉन हो गया 20 है ना, सो अगेन कितना हो जाएगा, 100 बाय 20 इज 5, तो ये जब 10 था तो इक्विवेलेंट आया 5 माइक्रोफेरेड, जब ये 5 था इक्विवेलेंट आया 2.5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब 20 का करके देखो क्या आता है, 10 आता है क्या, करके देखो 20 into 20 upon 20 plus 20, so obviously यहाँ पर हमने क्या observation किया,
कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉरी जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो ये जो वैल्यूज है कैपेसिटेंस की, नेट कैपेसिटेंस कम होगा, नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों कैपेसिटर, दो कैपेसिटर की बात करें, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, द नेट कैपेसिटेंस विल बी हाफ, है ना, 1/2 हो जाएगा। अब सेम एक और क्वेश्चन देता हूँ, खुद ट्राई करके देखना। ये है 12 माइक्रोफेरेड, ये भी 12 माइक्रोफेरेड, ये भी 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 12 माइक्रोफेरेड। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस खुद फाइंड करो। और वहां पर भी कुछ ऐसा रूल बन रहा है क्या, ये मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर कवर किया। अब कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से सर्किट होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते कैसा बनता है। ये बन गया अपना C1, उसको पैरेलल कनेक्ट किया है C2 और आगे कनेक्ट कर दिया है C3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए हमारे 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट, ओके। अब ये पूरा जो सिस्टम है इट विल बी नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस से V पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, यहाँ पर की वगैरह होगी, एमीटर वोल्ट मीटर जो लगाने लगा दो, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जैसा सर्किट होगा वैसा बना देना, मैं सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सर्किट बन चुका है अपना। अब देखो ये V पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये बैटरी V जो है, ये इन तीनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन को कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि ये वाला टर्मिनल अगर देखोगे तो डायरेक्टली C1 को कनेक्टेड है, और बैटरी का सेकंड टर्मिनल डायरेक्टली C2 को कनेक्ट, C1 को कनेक्टेड है दोनों टर्मिनल्स को। इसका मतलब C1 के अगर दोनों टर्मिनल की बात करें, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, मतलब C1 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V, C2 के अक्रॉस भी देखो तो सेम सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस सेम होता है, मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल हो गया V और यहाँ पर भी हो गया पोटेंशियल V। सीरीज में हमने क्या देखा था, चार्ज सेम था, यहाँ पर क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो ऑब्वियसली चार्ज क्या होगा, चार्ज डिफरेंट होगा, क्योंकि इनके अक्रॉस हमने पोटेंशियल फिक्स कर दिया है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो C1 है, तो वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज लेगा, क्योंकि ये सेल का काम क्या है, सेल विल सप्लाई चार्ज क्यू, लेकिन C1 कितना लेगा, जितना वो ले सकता है ना। जैसे कि आपको ऐसे भंडारे में बिठा दिया खाना खाने के लिए, और वहां पर बहुत सारा खाना बफे चल रहा है या जो भी चल रहा है, बहुत सारा खाना है, तो आप सारा थोड़ी ना लोगे, ये सारा खाना जो है वो है क्यू, लेकिन आप जो है आपकी कैपेसिटी कितनी है, C1 है, तो आप Q1 जितना ही लोगे चार्जेस, है ना। तो उस तरह से C2 जो है वो कितना चार्ज लेगा, इट विल टेक Q2, C3 विल टेक Q3 चार्ज, इतना इसके प्लेट्स पे चार्ज आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर एक चीज ये पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट जो है वी विल कॉल दिस पॉइंट एज जंक्शन, इस पॉइंट पर चार्ज आया कितना, क्यू गया कितना, Q1 इधर, Q2 इधर, Q3 इधर। अब हमें पता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जितना चार्ज आया उतना ही तीनों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। लेट अस से 10 कूलम आया होता तो इसमें सपोज 5 जाता, तो इसमें बचा हुआ 5 जाता इन दोनों में, है ना, लेट अस से 3 और 2 जाता। तो इस तरह से जितना चार्ज आया उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। सो एट दिस जंक्शन वी कैन से एट जंक्शन, है ना, लेट अस से इस जंक्शन का नाम देना है तो ए नाम दे देते हैं, वी कैन राइट आने वाला चार्ज इक्वल टू जाने वाला चार्ज, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना, सिंपल चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगाया है यहाँ पर। तो जितना चार्ज आया उतना ही जाएगा, ऑब्वियस बात है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है बड़ा। और हमें पता क्या है, बट Q1 इक्वल टू C1 भी लिख सकते हैं, सही है, और V देखा जाए तो सबके लिए सेम है, तो हमने यहाँ पर V जो है सबके लिए सेम लिखा, V1 नहीं लिखा। सिमिलरली Q2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। अब अगर ये पूरे सिस्टम को हम लोग रिप्लेस करके ऐसा बना दे, अब ये पैरेलल है तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा कैपेसिटर लिया जिसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी इस नेटवर्क के,
तो हमने उस कैपेसिटर को इस तरह से रखा है, सेम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, है ना, सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है पूरे सिस्टम में, सिर्फ हमने रिप्लेस किया है प्रीवियस सिस्टम को सिंगल कैपेसिटर से। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसकी वैल्यू सी पी, आने वाला चार्ज ऑब्वियसली यहाँ से तो क्यू है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू सी पी, और जो मेन पोटेंशियल है वो है वी। तो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर वन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी पी वी इक्वल टू क्यू वन की जगह लिखेंगे सी वन वी, प्लस क्यू टू की जगह क्या लिखेंगे सी टू वी, प्लस क्यू थ्री की जगह लिखेंगे सी थ्री वी। देखो यहाँ पर वी कॉमन दिख रहा है तो वी को कट कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, सी पी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री बन गया अपना मेन फॉर्मूला, हो गया प्रूफ, है ना, इजी प्रूफ है एकदम। अब इसी को जनरलाइज कर सकते हो, अगर इधर है n कैपेसिटर c1 plus c2 plus c3 plus c4 है so on, ऐसे n तक जाएगा। तो ये हो गए अपने कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल के दोनों के प्रूफ। अब करेंगे इसके न्यूमेरिकल फ्रॉम टेक्स्ट बुक। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 205, इस पर आपको एग्जांपल मिलेगा कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का। तो 8.15 थोड़ा सा इजी एग्जांपल है, फिर भी कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। व्हेन 10 रेज़ टू 8 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर्स बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर्स। तो बेसिकली हमें कैपेसिटेंस निकालना है यहाँ पर, और उन्होंने बोला है कि 10 रेज़ टू 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, और फिर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, हमारे पास चार्ज नहीं है, बट वी नो चार्ज ऑफ चार्ज ड्यू टू दिस मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैन बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला, q इक्वल टू एनी, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज 10 रेज़ टू 8, और e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है व्हिच इज 1.6, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, 1.6 * 10 रेज़ टू -19, तो ये हो जाएगा 1.6 * 10 रेज़ टू -11 कूलम्ब्स। ये हो गया आपका चार्ज, चार्ज भी मिल गया अपने को इस गिवन डाटा पे से। कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे q इक्वल टू cv, ये हो गया फॉर्मूला, ऊपर जो लिखा वो है गिवन, ठीक है, और अभी क्या करेंगे, कैलकुलेशन, हमें फाइंड करना है c, तो c इक्वल टू क्या लिख देंगे q अपॉन v, q कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -11 और v है 10, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू, ये वन है ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा, तो ये हो गया -12, और कूलम्ब है सॉरी कैपेसिटेंस है तो इसका यूनिट आएगा फैरेड, ठीक है, तो 10 रेज़ टू -12 फैरेड के करीब कुछ तो आ रहा है, इनका आंसर शायद से बच्चों गलत है ना, उन्होंने जो बुक में दिया है वो आंसर शायद से गलत है, देख लेना, चेक कर लेना, -11 और ये 1 पर गया तो -12 होता है, ठीक है, उनका 10 का पावर में गड़बड़ किया उन लोगों ने, ठीक है, लेट इट बी। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 8.15। तो बच्चों ये एग्जांपल 8.16 है जिसमें हमें इस तरह का डायग्राम दिया है, क्वेश्चन में बताया कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अक्रॉस ए एंड बी, अक्रॉस ए बी The equivalent capacitance is 1 microfarad. Find value of C. ये जो C है इसको हमें find करना है, ठीक है? हम एक बार formula याद कर लेते हैं सारे series और parallel के। तो जो series combination है उसके लिए हम लोग ये formula use करते हैं 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on. Parallel के लिए हम लोग formula use करेंगे C1 plus C2 plus so on, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं circuit का थोड़ा analysis करेंगे। तो ये दोनों जो capacitor है C 4 and C5, if you look at them, ये parallel connected है, इनके ऊपर वाले terminal और नीचे वाले terminal common points पर आ रहे हैं, so these two are in parallel, तो parallel में हम इनको add करके 4 और 4 इसका हो जाएगा 8 microfarad, ठीक है, तो ये मेरा जो C4 था उसकी जगह C4 और C5 की जगह लिख दिया मैंने 8 microfarad, ठीक है, ये और ये दोनों points पे, अगर ये point की चर्चा करें तो ये जाता है point B को, तो यहाँ पर एक terminal point B को गया इन दोनों का, और एक terminal गया 1 microfarad को, ये हो गया अपना 1 microfarad ये वाला, ठीक है, और इस 1 microfarad का लेफ्ट टर्मिनल देखोगे तो ये C को कनेक्टेड है, ये मेरा इस तरह से कनेक्टेड है, देख लो C अननोन जो भी है,
और सी का ये वाला टर्मिनल ए को कनेक्टेड है। वापस से देख लो, सी कैपेसिटर ए, ये वाला जंक्शन यहाँ पर, ठीक है, फिर ये 1 माइक्रोफेरेड एज इट इज, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो C1 + C2 ऐड कर देंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। और फिर ये वाला गया पॉइंट बी को, ये हो गया इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन। यहाँ देखोगे तो 8 और 4 जो है ये सीरीज में है, सीरीज में होंगे तो हम लोग दो कैपेसिटर का, मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, अगर सीरीज में होगा तो दो कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, C1 C2 upon C1 + C2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 × 4 upon 8 + 4, है ना, ये हो जाएगा 8 × 4 upon 8 + 4, तो ये हो जाएगा 12 32, ये कुछ आता है 8/3 के करीब, है ना। तो ये आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन 8/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, चलेगा, ये आ गया अपना 8/3 माइक्रोफेरेड। और अगर इसकी बात करें तो ये इसका दूसरा टर्मिनल डायरेक्टली बी को कनेक्टेड है, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो इस सर्किट का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया अपने पास। यहाँ पर अगर इसका कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये 8 और 1 वापस से आ गए हैं सीरीज में, तो 8 और 1 सीरीज में, तो वापस से फॉर्मूला लगाएंगे 8 into, यहाँ पर देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 8 × 1 upon 8 + 1 9, सो 8/9 हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन, सही है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन और सिंप्लीफाई यहीं पर कर रहा हूँ, मैं वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आके हो गया 8/9, सही है, 8/9 माइक्रोफेरेड आ गया। अब ये दोनों कहाँ पर है, ये वापस से एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल में ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9 + 8/3, सही है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 8 + 24/9, तो ये कितना आ जाता है देखो 32/9, ठीक है। अब ये आ गया इसका कॉम्बिनेशन, तो अगला सर्किट कैसा आएगा देखो, अगला सर्किट आएगा ऐसा, है ना, अगला सर्किट कैसा आएगा, ये वाला सी अननोन और इनका कॉम्बिनेशन था कितना 32/9, कितना था 32/9 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया अपने ए और बी टर्मिनल्स। अब अगर देखते हो तो ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सीरीज में, सीरीज में वापस से कौन सा फॉर्मूला वही लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा सी, तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैं क्या कर लूँ, ये वाले इरेज कर देता हूँ या फिर यहाँ पर करते, चलो क्या है देखो 32/9 और सी, ये दोनों है एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो सीरीज में तो अपना फॉर्मूला आता है C1 C2 upon C1 + C2, तो ये हो जाएगा C × 32/9 upon C + 32/9, और इसका इक्वेलेंट बच्चों कितना है 1 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया 1, तो ये पूरी इक्वेशन अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो C + 32/9 = 32/9 × C, रीअरेंज कर देंगे इस C को उस तरफ भेज देंगे, 32/9 = 32/9 C - C, तो दोनों में से अगर C कॉमन ले ले तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर C आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 32 - 9/9, है ना, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसी जगह पे इतने में ही, तो ये हो जाएगा कितना 32/9 इस तरफ एज इट इज, उस तरफ हो जाएगा 32 - 9/9 C, है ना, तो ये कितना आ जाता है 32 में से ये गया 9, दोनों तरफ का 9 9 भी कट कर देंगे, 32 = 23 C, ठीक है, सो C = 32/23, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर 32/23 कितना आ रहा है 23 32 9 आया, फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ
ये आएगा कितना बच्चों, ठीक है तो 1.3 1.4 के करीब आएगा, ठीक है तो आंसर आता है इसका 1.39 माइक्रो फैराड, ठीक है ये आ गया अपना आंसर।